कई साल नहीं, आश्रों से ये लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। 25 साल से इस सूबे पर मुस्लिम लीग की हुक्मरानी है। 15 साल से पंजाब के अलावा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी। 10 सालों से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन आज क्या वो बता सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने 25 सालों में इस मुल्क का कौन सा मसला हल किया है? अगर आपकी इस मुल्क में 2.25 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम है, कोई और जिम्मेदार नहीं है, यही मुस्लिम लीग और यही पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। अगर आज यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई अमेरिका जिम्मेदार नहीं है, ये लोग जिम्मेदार है। ये आस्तीन के सांप है, इस घर को आग लग गई, घर की चिराग है। इस जालिमों ने तुम्हारे झोंपड़ियों को जलाया, ये बता नहीं सकते उनकी कारकर्दगी क्या है। पाकिस्तान के साथ 79 मिलियन एकड़ जमीन है, ये आबाद नहीं कर सके और आज भी हम गंदम बाहर से दरामद करते हैं। पाकिस्तान में 5 दरियाए मौजूद है लेकिन आज भी लोड शेडिंग है। इन जालिमों ने 1994 में IPPs के मुआहिदे किए और उन मुआहिदों की वजह से जो बिजली 2 रुपए फी यूनिट बनती है, आज आपको 50 रुपए फी यूनिट हुकूमत दे रही है। क्यों? इसलिए के अपने मुफादात के लिए उन्होंने गलत मुआहिदे किए हैं। आज अगर पाकिस्तान का हर बच्चा वर्ल्ड बैंक का मकरूज है, क्यों? इसलिए के कर्जे लिए हैं मुस्लिम लीग ने, कर्जे लिए हैं पीपल्स पार्टी ने, कर्जे लिए हैं पीटीआई ने और उसका बोझ आपके कंधों पर है। आज ये हुकूमतें वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने पर तुम्हारा खून निचोड़ रही है, तुम्हारे गले दबा रही है और तुम्हें कहते हैं इस कर्जे को आप में उठाना है। मैं जमात इस्लामी की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस मुल्क में अवाम की ताउन और सपोर्ट से हम इनकलाब ला रहे हैं, हुकूमत पर कायम होगी। और सुन लो, ये जितने कर्जे तुम लोगों ने लिए हैं और खुद हड़प करके वापस बाहर के बैंकों में छुपा के रखे हैं, हम तुम्हारे गर्दनों को मरोड़ कर इंशाल्लाह ये कर्जे तुम्हारे कारखाने, तुम्हारे बंगले, तुम्हारी प्रॉपर्टीज को बेचकर हम अदा करेंगे।